नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए लाई हूँ मैं कुछ यूजफुल से ट्रिक एंड टिप्स। बिना देरी के वे शुरू करते वीडियो। तो दोस्तों, पहली ट्रिक है हमारी, दाल से अक्सर इस तरीके से पानी निकल जाता है। दाल को जब आप बॉईल करने रखते हो, आपका गैस स्टोव पूरा गंदा हो जाता है और हमारे लिए काम बढ़ जाता है। तो आप ये वाला तरीका अपनाएं, दाल कभी बाहर नहीं आएगा। आपको करना ये होगा, आप जब भी दाल बॉईल करने रखेंगे तो आपको उसमें एक चम्मच रख देना है और साथ में आधा चम्मच के करीबन नमक और थोड़ा सा उसमें हल्दी डालना है। बस आप इस तरीके से अपना दाल बॉईल करेंगे तो दाल कभी भी ढक्कन से बाहर नहीं निकलेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप ये ट्रिक चावल में भी ऐसे आजमा सकते हैं। और दूसरी ट्रिक ये भी है दोस्तों, कभी भी आप जैसे दाल या फिर चावल, कोई भी दाल चावल आप बॉईल करने रखेंगे तो आपको क्या करना है, कुकर के ढक्कन में इस तरीके से सरसों का तेल लगा लेना है, कुछ बूंदे डाल देनी है इस तरीके से जैसे मैं डाल रही हूँ। तो दाल इस तरीके से भी आपकी बाहर नहीं आएगी, बिल्कुल भी गैस गंदा नहीं होगा। तो आप ये वाला ट्रिक भी आजमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे वाली ट्रिक की तरफ। आपने देखा होगा अक्सर हमारे घरों में छिपकली होती है और छिपकली बहुत ज़्यादा होती है। और छिपकली भगाने के लिए हम लोग क्या नहीं करते, स्प्रे लाते हैं, कुछ वैसी दवाई लेके आते हैं, लेकिन फिर भी छिपकली नहीं भागती। तो स्प्रे जो होता है हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। तो आप इस तरीके से घरेलू उपाय अपना सकते हैं। दोस्तों, करना क्या है कि प्याज लेना है और प्याज को इस तरीके से, जो प्याज का बाहरी छिलका होता है उसको इस तरीके से आपने एक सुई या फिर सेफ्टी पिन होती है उसकी मदद से आपको इस तरीके से लगा देना है। और किचन में किसी भी कॉर्नर पे आपको इसको हैंग कर देना है, किचन में या फिर विंडो पे, कहीं पे भी आप इस तरीके इसको हैंग कर सकते हैं। छिपकली को प्याज की जो ये महक होती है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है और छिपकली इस प्याज की महक से बहुत ज़्यादा भागती हैं। तो आप इस तरीके से देखिए, मैंने धागे पे इसे लगा लिया है और किचन में कहीं पे भी किसी भी कॉर्नर पे, फिर कहीं पे कील होगी वहाँ पे इस तरीके से हैंग कर देना है। ये देखिए दोस्तों, आप ये वाला ट्रिक ज़रूर आजमाइए। तो अगली ट्रिक हमारी दोस्तों ये है कि नींबू, गर्मियों में देखा होगा आपने नींबू का सेवन हम बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। नींबू हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, पानी की कमी तो पूरी करता ही है, साथ ही साथ बॉडी को डिटॉक्स भी करता है। तो हम लेके आते हैं तो क्या होता है, फ्रिज में रखे रखे एकदम नींबू कड़क हो जाता है या फिर ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, हमें ये ट्रिक अपनानी होगी। हमें लेना है सरसों का तेल, तेल कोई भी हो, और इस तरीके से सरसों का तेल नींबू पे लगा देना है और इस तरीके से आपको फ्रिज में रख देना है बिना रैप किए हुए। ना तो आपको किसी फॉइल पेपर पे रैप करना पड़ेगा, ना ही आपको किसी पेपर उसमें न्यूज़पेपर पे रखना पड़ेगा। आप इस तरीके से अपने नींबू को रखिए, नींबू इस तरीके से फ्रेश रहेंगे। आप इस ट्रिक को ज़रूर आजमा कर देखिए। तो बढ़ते हैं आगे वाली ट्रिक की तरफ। दोस्तों, अक्सर हमारे घरों में नॉनस्टिक पैन, तवा या फिर कढ़ाई होती है तो उसमें जो ये चिकनाहट होती है वो रह जाती है। हम ना तो नॉनस्टिक तवा या पैन को इस तरीके से स्क्रब कर सकते हैं, ना ही किसी हार्ड चीज़ से इसको रब कर सकते हैं। तो हमें करना क्या होगा, हमें लेना है विनेगर, वाइट विनेगर है ये, आप एप्पल विनेगर कोई भी आप इस तरीके से ले सकते हैं। हमें गैस ऑन करना है और लो फ्लेम पर इसको रखना है और उसके बाद इसमें हल्का सा एक चम्मच के करीबन विनेगर डालना है। देखिए इस तरीके से मैंने विनेगर डाला हुआ है और नींबू का एक टुकड़ा, बिल्कुल इसमें रस नहीं है, नींबू का टुकड़ा इस तरीके से इस पर रगड़ना है। ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी रस नहीं है, ये वाला हिस्सा मैंने लिया हुआ है। और इस तरीके से हमें ये जब हल्का सा गर्म हो जाए, आप देख रहे होंगे इसमें ये हल्का सा गर्म हो जाएगा, तो उसके बाद हमें क्या करना है, गैस बंद कर देना है और इसको इस तरीके से थोड़ा सा रफ करना है, चिकनाहट एकदम गायब हो जाएगी। और उसके बाद इसको साफ पानी से धो लेना है। कई बार क्या होता है ना, हम लोग जैसे नॉनवेज ऑमलेट वगैरह बनाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, ये चिकनाहट नहीं निकलती, चाहे हम इसे विम बार या फिर किसी भी वैसे सॉप से धोएं, लेकिन ये चिकनाहट नहीं हटती। तो आप इस तरीके से नींबू और विनेगर से इस तरीके से रब करेंगे तो एकदम चिकनाहट गायब हो जाएगी। आप इस ट्रिक को ज़रूर आजमाइए। आई होप आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आएगी दोस्तों, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे वाली ट्रिक की तरफ। दोस्तों, अगली ट्रिक हमारी ये है कि हम अपने घरों पे पोछा तो लगाते हैं। पोछा आप लाइजोल से लगाते हैं, डेटॉल से लगाते हैं या फिनाइल से लगाते हैं। क्या आपने कभी नमक से पोछा लगाया है? दोस्तों, नमक से पोछा लगाने के मैं आपको फ़ायदे बताती हूँ। एक तो हमारे घर पर जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो दूर भागती है, जो जो यानी कि नकारात्मक ऊर्जा होती है। नमक से पोछा लगाना आपने सुना होगा कई बार,
नमक से पोछा जरूर लगाना चाहिए। दूसरा ये है कि हमारे घरों पे अक्सर चींटी होती है या फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, नमक के पोछे नमक से जब हम पोछा लगाते हैं तो चींटी या फिर जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो एकदम गायब हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से आप नमक का पोछा लगाइए अपने घरों पे। मैं तो हमेशा से ही ऐसी लगाती हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, एकदम क्लीन भी होता है और जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी भाग जाते हैं। तो आप ये ट्रिक ज़रूर आजमा कर देखिए दोस्तों, आई होप आपको मेरी ये ट्रिक भी पसंद आएगी। पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।